अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज बेसिकली मैं 9th क्लास का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले दो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे कर चुका हूँ, आज मैं थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर ये आपके पास लाइफ का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, न्यूट्रिशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स, के वाटर और डाइट्री फाइबर्स का हमारी बॉडी पर या ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, आपको क्यों चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने परसेंट मौजूद है और इन्होंने हमारी बॉडी में किस मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करना है, ये चीजें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाटर। अगर वाटर को देखा जाए, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड नेचर के अंदर, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है। ऑलमोस्ट हमारी अर्थ देख लें तो 30% जो है वो लैंड है और 70% इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। और सरफेस के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जमीन के नीचे भी आपको पता है पानी मौजूद है, ऑयल रिजर्व भी है, बहुत चीजें, लेकिन वाटर भी अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। अगर वाटर को ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्कस किया जाए तो हमारी बॉडी को ये बहुत सारी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी को ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी को, अगर एक एडल्ट की बॉडी देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट 60% वाटर। अगर ये मैं फिगर कहूँ 60 to 65%, तो ये बात भी गलत नहीं है। 60 से लेकर 65% वाटर एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद है, इनकी बॉडीज के अंदर मौजूद होता है। इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आपके ब्रेन के अंदर 85% वाटर है, 15% दूसरे सब्सटेंसेस हैं। बोन के अंदर 20% वाटर है, 80% दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। ओवरऑल पूरी ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% जो होता है वो वाटर। उसके बाद जितने भी एंजाइमेटिक एक्शन हैं, एंजाइम वर्क कर रहे हैं आपकी बॉडी में, वो पानी की मौजूदगी में कर रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम आर कैटालिस्ट, दे इंक्रीज अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, इंक्रीज करना एंजाइम का काम है, और एंजाइम में उस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल भी नहीं होना। नेक्स्ट देखिए, वाटर एक्ट एज एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट के तौर पर काम कर रहा है, वेयर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब, जहां पर पानी के अंदर हल होने वाले प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो रहा है, जैसा कि जो भी सब्सटेंसेस जैसे शुगर है वो पानी में हल हो रहे हैं, पानी ही उन्हें अपने अंदर हल करता है। नेक्स्ट इसी तरह इट वेस्ट, इट एक्ट एज एनवायरनमेंट वेयर वेस्ट आर एलिमिनेटेड एज यूरिन, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है पानी के साथ मिक्स होगी, इट विल गेट मिक्स्ड इनटू द वाटर एंड इट विल रिलीज फ्रॉम योर बॉडी एज यूरिन प्रोडक्ट। यूरिन प्रोडक्ट की सूरत में हमारी बॉडी से खारिज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, बॉडी टेम्परेचर को स्टेबिलाइज कौन करता है? वाटर ही करता है। स्वेट ग्लैंड है आपके पास, पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड है, इन ग्लैंड में पसीना खारिज करता है, पसीने पर हवा पड़ती है तो हमें ठंडक महसूस, हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है, परस्पिरेशन होती है। क्यों होती है? एवपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विल लीव योर बॉडी, दे विल मूव फ्रॉम योर बॉडी एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल विल लेफ्ट बिहाइंड। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आपकी बॉडी से चले जाते हैं हवा पड़ने से, लो एनर्जी मॉलिक्यूल आपके पास रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। उसके बाद अगर हम वाटर की रिक्वायरमेंट देखें, एक एडल्ट की रिक्वायरमेंट एक दिन के अंदर 2 लीटर, यानी आप एक दिन के अंदर 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर पानी बॉडी को लीव कर जाता है, केमिकल रिएक्शन में बहुत कम यूज होता है। लीव कैसे करता है? यूरिन की सूरत में या फिर स्वेट की सूरत, पसीने की सूरत। नेक्स्ट सोर्सेज वाटर के देखते हैं, एक नेचुरल वाटर है जो आप कुदरती तौर पर चश्मों आबशारों से आ रहा है, नहरों नदी नालों में आ रहा है, आप जमीन से भी ले रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है आपके पास पानी। फिर मिल्क के अंदर बहुत पानी है, जूसी फ्रूट्स के अंदर बहुत पानी है, जैसा कि एप्पल हो गया,
उसके अंदर इवन अगर आप वेजिटेबल में चले जाएं खीरा है उसके अंदर बहुत फैट है, ऑलमोस्ट 85 to 90% फैट है वेजिटेबल्स के अंदर, इन सब के अंदर फैट है। ये तो था हमारा टॉपिक वाटर से रिलेटेड कि वाटर कैसे कैसे और किन किन चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करें। अब हम डिस्कस करते हैं डाइट्री फाइबर्स। डाइट्री फाइबर्स के लिए ये बेसिकली वो फाइबर्स हैं जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे, अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से निकल जाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनके छिलके हो गए, सीड का छिलका भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इवन आपके पास वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके हो गए जो बॉडी से अनडाइजेस्टेड ही पास आउट हो जाते हैं, उन्हें डाइट्री फाइबर्स कहते हैं। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ रफेजेस, इन डाइट्री फाइबर्स को आप रफेजेस भी कहते हैं। फिर मैंने लिखा हुआ दे आर पार्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, ये उस फूड का पार्ट है जो आपके पास इनडाइजेस्टिबल है जिसे आप अनडाइजेस्टिबल कहते हैं, यानी इसने डाइजेस्ट नहीं। अब इट फाउंड ओनली इन प्लांट फूड एंड मूव्स अनडाइजेस्टिबल वाया स्टमक, ये बेसिकली आपकी प्लांट फूड के अंदर मौजूद है, जो भी प्लांट सोर्सेज आप उससे लेते हैं वहां से पास आउट होगी, माउथ से कहां पर एलिमेंट्री कैनाल सारी से अनडाइजेस्टिबली पास आउट हो जाएगी, स्टमक के पास रहेगी वहां पर भी अनडाइजेस्टिबल रहेगी, स्टमक से चली जाएगी इनसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जिसके पार्ट्स में डाइजेशन ह्यूमन के अंदर आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, इलियम है, जेजनम है, जो भी पार्ट्स है सारे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से पास आउट होकर इसके पास चली जाएगी कोलन के पास, यानी अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से ये क्या हो रही है पास आउट। इन दो कैटेगरीज हैं आपके पास डाइट्री फाइबर्स की, एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल डाइट्री फाइबर। इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर स्पीड से स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो जाते हैं, यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है, स्पीड से पास आउट हो रहे हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। इसके अंदर आपके पास वीट ब्रेन जिसे गेहूं का ब्रादा कहते हैं, आपके पास सीरियल्स हैं अनाजदार जितनी फसलें हैं, स्किन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल छिलका जिसे फ्रूट कवर भी कहते हैं, काप की टर्म भी यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली अनडाइजेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली पास आउट हो जाते हैं और पानी में आगे नहीं होते। दूसरे नंबर पर सॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स कौन से हैं जो पानी में हल हो सकते हैं, ये कौन से बेसिकली दे ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रेवलेंस इन एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल में से गुजरते हुए टूट जाते हैं, हल हो सकते हैं लेकिन फिर भी अनडाइजेस्टेड रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, मैंने टर्म यूज किया हल होते हैं, सॉल्युबल है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होते, डाइजेशन और सॉल्युबिलिटी में फर्क होता है। इनके सोर्स कौन से हैं, ऑट एंड जमी है, बीन है, आपके पास फलीदार पौधे हो गए या फलीदार जितने भी मटर हो गया बीन है, आपके पास लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स ज्यादातर, बारले जौ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अनडाइजेस्टेड बॉडी से पास आउट हो सकते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देयर लीव अ प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है कब्ज, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव भी करते हैं और उसको प्रिवेंट भी करते हैं। इन्होंने बेसिकली प्रिवेंट कैसे करना होता है, इनके प्रिवेंट करने की ये स्ट्रेटेजी होती है कि इन्होंने प्रिवेंशन इस तरह करना है कि जब बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही हो तो इन्होंने बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होने दी। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन, तो ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव भी करते हैं। फिर इन्होंने किस तरह रिलीव करना है, दे विल रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल, जो हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्शन, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि जो एब्जॉर्ब मिनरल है वो ज्यादा अमाउंट में ना आए, बॉडी से अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड जो भी मैटर है जो फालतू होता है वो बॉडी से लीव कर सके, स्टमक से लीव कर सके। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी देयर विल बी लेस डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन डिजीज के रेट को बढ़ाता है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं है दैट्स मीन डिजीज का रेट आपके पास क्या होता है कम होगा। इट विल लोअर कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल। सॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स मैंने लिखा DFs स्टैंड फॉर डाइट्री फाइबर्स, जो सॉल्युबल डाइट्री फाइबर है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करेंगे और शुगर के लेवल को भी कम करेंगे।
they increase movement of carcinogens from intestine. कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर काजी, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है। ये कार्सिनोजेंस के मूवमेंट को इंटेस्टाइन से स्पीड अप कर देते हैं ताकि कार्सिनोजन वहां से मूव कर जाए। जब कार्सिनोजेंस मूव करेंगे तो कैंसर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये कौन का है, इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स का। फिर नेक्स्ट हमारे पास, मैंने ये बॉक्स लिखा हुआ है सब गोल हस्क के बारे में, जो सब गोल हस्क है जिसे आप छिलका कहते हैं, सब गोल का छिलका कहते हैं, उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर उसका या फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी काम होता है ज़्यादातर। अगर आपने इसका मिस यूज़ कर लिया तो वो आपको नुकसान पहुँचेगा। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है, दैट्स मीन कब्ज को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काम करता है। ये तो इसका बेनिफिशियल यूज है, कुछ इसके यूजेस नेगेटिव भी होते हैं। सो फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बगैर इसे यूज नहीं करना चाहिए। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो वो आप उसे कर सकते हैं।